morning, everyone. Have a nice day. Happy Sunday. नहा धो लिए हैं, पूजा हो गई है, नाश्ते में बनेंगे आज अप्पे, उसकी तैयारी भी करनी है। अरे ये तो होनी था, पहले मैं दूध भिलो लेती हूँ, मलाई जमाई थी तो वो दूध भिलोना है। आइए हमारा देसी जुगाड़, गांव से ला रखी है मैंने मशीन बिजली वाली, जल्दी काम हो जाता है, नहीं तो हाथ से लगे रहो एक घंटे तक। तो अभी ताजा ताजा मक्खन खिलाते हैं आपको, मट्ठा मक्खन। बच्चे भी उठ गए हैं तो वो नहा लें, तब तक मैं ये काम कर लूं, फिर अप्पे बनाते हैं। आज नाश्ते में अप्पे बनेंगे। आ गया बेबी, गुड मॉर्निंग बोल लो, नीचे आओ नीचे। तुझे तो नीचे आना पड़ेगा, ऐसा ज्यादा नीचे जब बात बनेगी। देखो जी बिल्कुल ताजा ताजा मक्खन। किस किस को गांव की याद आ गई मक्खन देख के, आ जाओ खा लो, आ जाओ खा लो मक्खन। अबे बना रहा अपने लिए चाय, चीनी तो थी डब्बे में, इसमें दूसरे में छोटे में उसमें तो है बेटा, बड़े में से ही डाल लेगा। ओहो देखो इतनी ज्यादा खदकाली चाय, उसके बाद चीनी डल रही है। अरे बड़ी कम चीनी पी लगा हुआ तो भाई, पहले अब बहुत सारी चम्मच चीनी डालता था चाय में तब पीता था, आज थोड़ा सा समझदार हो गया मेरे बेटा। कहाँ गया, दिख गया दिख गया दिख गया। बना ले बता, ठीक है अब? आप सोच रही है इतना खराब, आपको मैं दर्द है। वैसे तो ठीक है बीपी, तो बीपी तो आराम है। आप मतलब बीमार बीमार कहने लगे तो आप रोज नहीं बता रही, आप बीमार हो रही ना, यहाँ दर्द है पसलियों में, यहाँ का दर्द ना मिट सके, काम कर अपना। चलो ठीक है फिलहाल तो ठीक है। हाँ बस नू क्या ठीक हूँ, जबरदस्ती का पंगा ले रही। ठीक है अबे की चाय का कलर देखो, ओहो हो स्वाद ही बन रही होगी गनी। तीन ले रहा चार, हाँ तो सारे लूंगी तो सस्ते देगा ना। चार है पेड़ पे, कितने चाहिए मिल जाएंगे ना, इतने ग्यारह बज गए, पौधे वाला आ गया था, कुछ काम नहीं हुआ, फटाफट अप्पे बना लेते हैं। तो चलिए अप्पो की तैयारी कर लेते हैं, बच्चों को लग रही है भूख, और फटाफट बना कर खिला देते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। अब पौधे वाले आ जाओ ना, मेरा जी बाहर ही अटका रहा है कि जाऊं देखूं कौन से नए पौधे ले रहा है। और अप्पे बनाने के लिए मैंने एक भगोने में ये सूजी ली है, और नाप मैं बता देती हूँ, ये एक दो कटोरी ली है मैंने, कप से भी आप ले सकते हैं अपने खर्चे के अकॉर्डिंग है। और ये थोड़ा सा हल्का सा खट्टा दही है एक कटोरी, नापा तो मैंने है नहीं लेकिन आधा लुटिया था तो एक कटोरी था लगभग मैंने डाल दिया। नमक मिर्च डाल दिया इसमें, इसी में कटे हुए बीन्स डाल दूंगी, जो भी आपके पास सब्जी हो गाजर गोभी आप सब डाल सकते हैं। मैंने इसमें शिमला मिर्च और हरी मिर्च डाल दी है, और थोड़ा सा इसमें डालूंगी मैं टमाटर, इस टमाटर के मैंने बीज निकाल दिए हैं, बीज नहीं लिए हैं, स्किन स्किन ली है उसका गुद्दा और स्किन, क्योंकि मेरे पास गाजर नहीं थी
और थोड़ा सा हल्का सा कलर देना था, रेड कलर भी कहीं कहीं आए, तो इसलिए मैंने टमाटर डाल दिए, बीज नहीं डाले। और एक गिलास पानी डाल के बैटर बना लेंगे, और पानी आप जितने में बैटर अच्छा बन जाए उतना डालिए। सारी दही भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने एक कटोरी दही डाल ली है। अगर आपके पास मट्ठा है तो आप इसे मट्ठे में भी घोल सकते हैं, मट्ठे में भी अच्छे बन जाते हैं, मैंने कई बार बनाए हैं मट्ठे से भी। तो अभी ये बैटर देखो लगभग तैयार हो गया, क्योंकि अभी सूजी के लिए को हम रेस्ट के लिए रखेंगे ना, तो तब भी सूजी फूल जाती है। अब हम इसमें एक तड़का लगाएंगे, और तड़का हम लगाएंगे राई से कड़ी पत्ते से। तो थोड़ा सा तेल चढ़ा के उसमें राई डाल दिया, थोड़ा सा हींग डाल दूंगी मैं, और इस कड़ी पत्ते को आप हल्का सा तोड़ के 2 बार या 3 बार तोड़ लीजिए हल्का हल्का, और ऐसे डाल दीजिए। तो ये चटक जाएगा, और फिर जब ये बिल्कुल अच्छे से राई चटक जाए तब आप इसे बैटर में डाल सकते हैं। चाहे तो आप जब अप्पे बनाएंगे, जब ऑयल डालते हैं उसमें भी राई के दाने डाल सकते हैं, तब बना सकते हैं। और ये ऐसे छोंक लगा लीजिए, तो ये इसका फ्लेवर अंदर तक आ जाएगा, कड़ी पत्ते का और राई का। मैं तो ऐसे ही लगाती हूँ, और कई बार बच्चे कहते हैं तो जहाँ जब तेल डालती हूँ अप्पे पैन में तब भी डाल देती हूँ। तो अभी मैंने इसमें तड़का लगा दिया है, और अच्छे से मिक्स करके हम इसको 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे, ताकि सूजी अच्छे से फूल जाए। तो ये रख दिया मैंने, अब 10 मिनट हो गए थे, क्योंकि बच्चों को काफ़ी जल्दी हो रही है, लेट हो गया था मेरा नाश्ता। तो देखो ये थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है आपको, चाहे तो आप इसके ऐसे बना सकते हैं, चाहे तो इसमें थोड़ा सा पानी डाल के पतला बना कर सकते हैं। मैं ऐसे ही बनाऊँगी, पानी नहीं डाल रही हूँ मैं इसमें। अब मैं इसमें डालूँगी इनो, बिल्कुल जब आपको बनाने के लिए तैयार हो ना आप, तभी इनो डालते हैं। तो बैटर थोड़ा ज़्यादा है इसलिए मैं 2 सैसे डाल रही हूँ इनो के, अगर थोड़ा है 1 कटोरी तो उसमें आप 1 सैसे डाल सकते हैं। अच्छे से घुमा लें, और इसमें एकदम जाली पड़नी स्टार्ट हो जाती हैं। इनो हम इसीलिए डालते हैं ताकि हमारे ये फूले फूले और जालीदार बने, अंदर से कच्चे ना रहें। जैसे हम ढोकले में इनो डालते हैं ना, वो जालीदार बनता है ढोकला, तो वैसे ही। अब मैंने अप्पे पैन चढ़ा दिया है गैस पे, और इसमें एक एक बूंद सारे खानों में ऑयल डाल लेंगे, और उसके बाद हम फिल करेंगे हमने जो बैटर बनाया है वो बैटर। तो थोड़ा थोड़ा छोटे वाला चमचा लेके या चम्मच लेके थोड़ा थोड़ा सारे खानों में हम फिल कर देंगे फटाफट से। और ये देखो लगभग सभी में हो गया है फिल, और अब हम इसे ढक के 2 से 3 मिनट के लिए पका लेंगे। अब बहुत टाइम नहीं लगता, बहुत जल्दी पक जाते हैं। गैस आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, मतलब मीडियम हाई रख सकते हैं। देखो पक गए थे, तो अब मैंने ये पलटने शुरू कर दिया, और ऐसा ये बहुत जल्दी पलट, ऐसे चम्मच लगाइए और छूट जाते हैं, फिर पलट दीजिए। इस साइड से भी अच्छे से पक जाएंगे, और आपके अप्पे एकदम, ये कम तेल का नाश्ता है, मतलब जब बच्चे का कुछ खाने का मन हो तो कम तेल में आप आसानी से बना सकते हैं, टेस्ट बिल्कुल परफेक्ट होता है। जैसे उत्पम वगैरह बनाते हैं, सूजी का चिल्ला बनाते हैं, सेम ही चीज़ है, बस बनाने के तरीके तरीके अलग हैं। जैसा आपका मन करे वैसे खा सकते हैं, चाहे तो आप तवे पर ऑयलिंग करके और पराठे की तरह भी इसको सेक सकते हैं, और ढक दीजिए पक जाएगा, पलट दीजिए क्रिस्पी हो जाएगा, तो वो भी सेम ही टेस्ट तो सेम ही आने वाला है, बस शेप अलग हो जाती है। देखो बन गए हैं, और 3 बैच बन गए हैं मेरे, अभी भी 2 बैच बनेंगे, 1 बैच में 12 बन जाते हैं। कैसे लग रहे हैं? बढ़िया। पायल को भी अच्छे लग रहे हैं? खा लो। और एक काफ़ी दिन से मैंने तुलसी लेके रख रखी थी, उसकी श्यामा तुलसी, तो आज मैं इसको रिपोर्ट कर ली, क्योंकि मैंने सुबह जो पौधे लिए थे ना उन्हें लगाने के लिए मैं ऊपर आई थी, तो फिर मैंने देखा ये श्यामा तुलसी रखी है, इस गमले में जो तुलसी थी ना वो सूख गई थी, तो मैंने इनको भी रिपोर्ट कर दिया है। और अब यहाँ मुझे वे 3 बड़े पौधे मैंने जो लिए हैं वो करने हैं, तो अब मैं आकर कुछ पौधे के गमले बदलूँगी। ये स्नेक प्लांट की एक पत्ती लगाई थी मैंने, इसमें से ना 4-5 सूट निकल आई हैं, तो इसका ना गमला छोटा पड़ रहा था, पानी दो तुरंत सूख जा रहा था, तो थोड़े से बड़े गमले में रिपोर्ट कर दिया है। इस गमले में ये एक बड़ा पौधा था तो वो तो सूख गया था, लेकिन उसके 3 बेबी प्लांट आए हैं, तो इसमें से मैंने निकाल के इन्हें छोटे छोटे गमलों में कर दिया है, क्योंकि बड़े पौधे में गमले में पानी ज़्यादा दिया जाता है तो पौधे मर जाएंगे, तो इसलिए अलग अलग, जब बड़े हो जाएंगे तो बड़ों में शिफ्ट कर दूँगी इन्हें। फिलहाल मैं 3 बड़े गमले खाली करूँगी, क्योंकि मैंने 3 पौधे लिए हैं, तो उसमें उन्हें तीनों को इनमें लगाऊंगी। और इसमें पानी भर दिया, पायल नहीं गिल्ली होगी मिट्टी, लेकिन मैं यही खाली था मेरे पास, तो इसी में मुझे हल्की सी निकाल कर सूखी मिट्टी मैंने इसमें डाल दी है। और ये भी,
ये हमेशा ग्रीन रहने वाला पौधा है, नाम नहीं पता उतना मुझे इतना ज़्यादा पौधों का। और ये जो मैंने पत्तियों से ग्रो किए है ना स्नेक प्लांट की दूसरी वैरायटी, ये भी मैं इनमें लगा दूंगी। और ये बड़े अच्छे चलते हैं, छोटे छोटे से बड़े सुंदर लगते हैं रखे हुए। आप इन्हें इंडोर आउटडोर कहीं भी रख सकते हैं, टेबल पे अंदर रख लीजिए, 4-5 दिन में एक बार धूप दिखा दीजिए 2-3 घंटे की, तो ये बढ़िया चलते रहते हैं। तो इस गमले में भी मैं एक बड़ा पौधा लगा दूंगी क्योंकि इसमें ये ही लगे हुए थे। ये मैंने लिए करोटन के पौधे, तो ये अच्छे लगते हैं, मतलब हमेशा ग्रीन रहते हैं, पत्तियां भी कम झड़ती हैं और पीली डॉट डॉट होते हैं इनकी पत्तियों पे, तो सुंदर रखते हैं रखे हुए, एक अलग सा डिफरेंट सा लुक आता है। तो मैं ले तो रही थी साथ, उसके पास 7 पौधे थे, मैंने सारे निकलवा लिए थे, बट फिर साथ इसलिए नहीं क्योंकि मेरे पास 7 गमले नहीं थे। फिर गमले नहीं है तो फिर लेके क्या करूँ, इस मौसम में ना पौधे सूख जाते हैं अगर ऐसे ही लेकर रख देती, तो इसलिए जब गमले आ जाएंगे उसके बाद लूँगी। एक ये पौधा मेरा बहुत सारी पत्तियाँ इसकी पीली होगी, मुझे लग रहा है इसकी जड़ में कुछ दिक्कत है, तो इसकी भी मैं बीच से कटिंग करके और इसको भी एक छोटे पॉट में लगा दूंगी। चलेगा चल जाएगा, नहीं चलेगा जबकि जब देखेंगे। और जिससे ये खाली हुआ है गमला, इसमें लगा दूंगी करोटन का दूसरा पौधा। और मैं अपने इसी काम में बस बिजी रहती हूँ, अब मुझे बिजी रहना भी है, मतलब प्रभु मुझे इतना काम दे ताकि मैं बिल्कुल भी फ्री ना रहूं। खाली दिमाग ना शैतान का घर होता है, तो मेरा जो भी एक्स्ट्रा टाइम मेरे पास होता है अपने घर के काम करने के अलावा, फिर मैं अपने पौधों के साथ ही बिताती हूँ। और यकीन मानिए, ये इतना अच्छा है, एक आपके पास ना टाइम पास करने का तरीका है, बहुत मन लगता है गार्डनिंग में, आप करके देखना एक बार। तो मेरे सारे पौधे लग के तैयार हो गए हैं, अभी इनमें मैं पानी दे दूंगी सब में थोड़ा थोड़ा। छोटे गमले मैंने पीछे रखे हैं और बड़े आ गए ताकि छोटे गमले थोड़े छाँव में रहे। वैसे तो यहाँ ज़्यादा धूप नहीं आती, सुबह सुबह की आती है, पर फिर भी वो मैंने छोटे पीछे कर दिए हैं। और वीडियो में आपको कुछ भी पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर आपका मन करता है तो। खुश रहने के सबके अपने अपने तरीके हैं, तो जी खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। कोरोना फिर से आ रहा है, तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है अपने बड़ों का ध्यान रखिए, बच्चों का भी। राधे राधे।